पौड़ी पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तीरथ सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयानों पर किया पलटवार। कहा हरीश रावत ने आपदा के दौर में केंद्र में जल संसाधन मंत्री रहते हुए सिर्फ घंटी बजाने का किया काम। पूर्व सीएम और नैनीताल सांसद भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे बेरीनाग। कोश्यारी ने सरकार की ओर से पलायन रिपोर्ट पेश करने के बाद पलायन को रोकने की कही बात। वहीं हरीश रावत के केदारनाथ दौरे पर भी साधा निशाना। गदरपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लोगों को प्रदान किए गए स्वीकृति पत्र। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने 10 दिनों में उनके खाते में पैसा दिए जाने की कही बात। और अल्मोड़ा नगर के एनटीडी में गुलदार का हमला। दो बाइक सवार लोगों पर किया हमला। इलाके में दहशत का माहौल। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। पौड़ी पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तीरथ सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयानों पर पलटवार किया है। दरअसल कुछ दिन पूर्व ही हरीश रावत ने बीजेपी सरकार की ओर से चार धाम के विकास किए जाने पर सवाल खड़ा करते हुए दूरबीन से विकास खोजने की बात कही थी, जिस पर तीरथ सिंह रावत ने पलटवार करते हुए कहा है कि दूरबीन की जरूरत सिर्फ बाहरी व्यक्ति को पड़ती है जो राह खोजने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं तीरथ सिंह रावत ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि हरीश रावत ने आपदा के दौर में केंद्र में जल संसाधन मंत्री रहते हुए सिर्फ घंटी बजाने का काम किया है। राव जी स्वयं में पूर्व मुख्यमंत्री रहे और जब आपदा आई थी जिसके कारण लोगों में घबराहट, डर और इस तरह का पल्ले हुआ, उस समय वो जल संसाधन मंत्री केंद्र में थे, तो उस समय भी वो घंटी बजाते रहे और स्वयं देखा है उन्होंने। तो मैं कहता हूँ जिनके पास स्वयं में दायित्व रहा, जिम्मेदारी रही हो, आज उनको दूरबीन लगाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो दूरबीन तो वो लगाता है जो विदेशी आता है और वो देखता है वहाँ का अन्य अन्य नए नए स्थान, नए नए वो कि दूरबीन से मैं देखूँ दूर दराज पर्यटन के रूप में, तो वो उनको लगाने की जरूरत कैसे पड़ी है। तो मैं सोचता हूँ वो तो प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री रहे और उस समय जल संसाधन मंत्री केंद्र में रहे, तो उन्होंने तो खूब देखा है दूरबीन तो। रानीखेत पहुंची नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा की प्रदेश सरकार सभी मोर्चों पर असफल है, सरकार का वित्त प्रबंधन सही नहीं है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारियां अभी तक सही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि निकाय चुनावों में कांग्रेस चेयरमैन पदों पर अपने प्रत्याशी को पार्टी सिंबल देगी और कुछ जगह पर सभासदों को भी पार्टी का सिंबल दिया जाएगा। मित्र विपक्ष होने के सवाल के जवाब में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अपने ही लोग यह आरोप लगाते हैं। देखिए, पहली तैयारी का इनकी फेलियर ये हुई थी कि इन्होंने जो हेलीकॉप्टर सेवाओं को चार्ज दिया उसमें भी पक्षपात किया, लोगों ने आवाज उठाई उसमें, तो अब शायद ये कुछ उस पर पलटे हैं। नंबर दो, जो इन्होंने वहां सारा इलाका सुधार की बात की उसमें अभी 0% का काट हो रहा है क्योंकि इत्तेफाक से मौसम ने भी साथ नहीं दिया और इन्हें उन्हीं लोगों को बनाने को दिया जिनसे हम बनवा रहे थे, तो वही बना भी पाएंगे। बर्फ पे काम करने की उनकी ही क्षमता है, आर्मी की पूरी उस टीम को। तो अभी काम तो कुछ हुआ नहीं, बुराई ये हो गई कि मैं कुमाऊं की ओर से जा रही हूँ थराली, मैं उस समय देहरादून से आई थी तो रास्ते में सड़कें खुदी हुई, अब मैं देखूंगी यहाँ की। गदरपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के आवास पर प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लोगों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। आपको बता दें कि करीब एक साल से कई नगर पंचायतों में पात्र लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे रुके हुए थे। वहीं दो दिनों से भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा दो नगर पंचायत का एक नगर पालिका क्षेत्र में घूम घूम कर पात्र लोगों को कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के आवास पर बुलाया गया और उन लोगों को कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे द्वारा ही स्वीकृति पत्र देकर 10 दिनों के भीतर उनके खाते में पैसा दिए जाने की बात कही गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों मकान
गुलरभोज नगर पंचायत, दिनेशपुर नगर पंचायत, गदरपुर नगर पालिका, गुलरभोज अपना केलाखेड़ा नगर पंचायत, इनमें आए हुए हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से इन योजनाओं को जानबूझकर लटकाया जा रहा था। जब वहाँ से नगर पालिका अध्यक्ष या पंचायत अध्यक्ष हट गए तो मुझे कहीं ना कहीं अंदेशा हुआ कि ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री की इतनी कल्याणकारी योजना और गरीबों को उसका सही समय पर लाभ नहीं मिल पाना और दलालों का सक्रिय होना, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के कामों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे ये लोग। तो उसका संज्ञान लेते हुए मैंने तत्काल अभी नगर पालिका के ईओ गदरपुर को और ईओ टाउन एरिया गुलरभोज, ईओ टाउन एरिया दिनेशपुर, इन तीनों को बुला के जितने पात्र लोग थे, उनकी संख्या हजार से ज्यादा बैठ रही है, उन सब पात्रों को बुला के मैंने उनको। पूर्व सीएम और नैनीताल सांसद भगत सिंह कोश्यारी बेरीनाग पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार की ओर से पलायन रिपोर्ट पेश करने के बाद जो आंकड़े आए हैं उसमें अब सरकार के द्वारा पलायन रोकने के लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। जिस कारण से पलायन हुआ है उसे पूरी तरह से रोका जा रहा है। वहीं सांसद भगत सिंह कोश्यारी ने पूर्व सीएम हरीश रावत के केदारनाथ दौरे पर जमकर निशाना साधा। मैं सोचता हूँ कि उनको नौटंकी के करने के अलावा कुछ नहीं आता। अगर नौटंकी नहीं करते क्या यहाँ लोकसभा में 5 बार हारते? क्या नौटंकी नहीं करते तो विधानसभा में मुख्यमंत्री रहते 2-2 जगह से नहीं हारते? इसका मतलब वो जनता समझ गई वो नौटंकी करते हैं। अब उनको चूंकि मदारी को नौटंकी में मजा आता है, मदारी की तरह से वो काम करते रहे, हम भी कहते हैं बजाओ भैया, ठीक है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता प्रदीप। प्रदीप, सांसद भगत सिंह कोश्यारी बेरीनाग पहुंचे और बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, आखिर क्या कुछ कहा कोश्यारी ने? जी तंडी, मैं आपको बताऊं, पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने विपक्ष पर हमला करते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत पर कोविड नोटिंग की कार करार दिया। उन्होंने उनके केदारनाथ दौरे को दूरबीन से देखने को लेकर उन्होंने उनको नोटिंग की कार बताते हुए कहा कि वो सीएम रहते हुए यदि उन्हें प्रदेश में विकास कार्य किया होता तो क्षेत्र से चुनाव नहीं आते और इस लोकसभा क्षेत्र से 4 बार चुनाव नहीं आते, उनके किए हुए कार्यों को यदि जनता देखती तो उनका उसे चुनाव जिताती। जी बल्लेवी प्रदीप, और बताया जा रहा है कि कोश्यारी ने कहा है कि पलायन रोकने के लिए अब सरकार प्रयास कर रही है, क्या वाकई जमीनी स्तर पर प्रयास करता हुआ नजर आया जा रहा है? जी पल्लवी, मैं आपको बताऊं, अभी इस दिन पूर्व सरकार के द्वारा जो पलायन आयोग की जो रिपोर्ट पेश की गई है उस पर कोश्यारी का कहना है कि जो पलायन जिस कारण से हुआ है उसको रोकने के लिए सरकार काम कर रही है और सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जो पलायन का जो मुख्य कारण है उसको रोकने के लिए सरकार उस पर कार्य कर रही है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप। और आपको बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी बेरीनाग पहुंचे और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पलायन रोकने के लिए सरकार अब पूरी तरह से प्रयासरत है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में 600 साल बाद भगवान बद्री विशाल का छत्र बदल दिया गया है, जिसे ज्ञानेश्वर सूद अपने 300 मुक्त परिवार के साथ छत्र बदलने के लिए बद्रीनाथ पहुंचे। देखिए एक रिपोर्ट। सैकड़ों साल से भगवान बद्रीनाथ के शीश के ऊपर विराजमान छत्र बदल गया है। भगवान के शीश पर अब 4 किलो सोने का छत्र है, जिसे तरह तरह की नकाशियों से तराशा गया है। अब ये छत्र भगवान के शीश के ऊपर विराजमान हो गया है। बता दें कि ज्ञानेश्वर सूद अपना पूरा मुक्त परिवार के 300 सदस्यों के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंचे और भगवान के गर्भगृह में भगवान के शीश के ऊपर छत्र लगाया गया। मैं पिछले 30 सालों से आ रहा हूं और लगभग पहली इन 30 सालों में मेरी 23 विजिट्स हुई हैं बद्रीनाथ धाम की। पहली 10 विजिट्स में तो मेरे को इतना समझ नहीं थी, लेकिन उसके बाद मैंने जो मेरे बिजनेस का नेचर है और उसके हिसाब से मैंने तब सेवा मांगनी शुरू की, तो ज़्यादातर यहाँ पर बैठने वाले जो अधिकारी होते थे वो मेरे को अपनी तरफ से कह देते थे कुछ नहीं चाहिए या कुछ इस तरीके से। तो इस बार जब लास्ट 7 नवंबर को मैं यहाँ आया, कपाट बंद होने में लगभग 12 दिन थे,
और मेरे को तब बताया गया कि यहाँ जो CEO हैं बीडी सिंह जी, वो एक मीटिंग के लिए आए हुए हैं और बैठे हैं वो, तो मैं उनके पास सब जाकर के मैंने अपनी इच्छा जताई। भगवान की शयन आरती से पूर्व विशेष पूजा अर्चना के बाद गोधोलिक बेला मुहूर्त में भगवान का छत्र बदला गया। इसे 9 मई को शाम 5 बजे बदल दिया गया। यह अवसर 600 साल के बाद 9 मई 2018 में आया है और अब न जाने ये अवसर कब आएगा, लेकिन इस अवसर पर 15,000 से ज्यादा श्रद्धालु इसके साक्षात्कार बने। वही श्रद्धालु भगवान के छत्र के साथ बद्रीनाथ जी के मंदिर पहुंचे, जहां छत्र के साथ भगवान के दर्शन किए गए। ज्ञानेश्वर सूद जी मुक्त परिवार लुधियाना, कुछ दिन पूर्व इन्होंने लगभग 7 अप्रैल को इस छत्र की पूजा की थी लुधियाना में। हम भी साक्षी थे और मंदिर समिति ने इसकी अनुमति दी थी। वस्तुतः पुराना छत्र बहुत पुराना हो गया था और कई जगह से टेढ़ा हो गया था, और भगवान की ऐसी इच्छा रही होगी किसी को मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् इति सिद्धये, लाखों लाखों में किसी को भगवान चुनते हैं, इनको चुना। और इनको चुनने के बाद ये छत्र लगभग 4 किलो सोने का है। इस पे कई प्रकार के माणिक है, मोती है, पन्ना है, ओम लिखा हुआ है, तो कई सुंदर नक्काशी हमने काफ़ी बारीकी से इसमें देखी है और इसमें कोई दो राय नहीं। ये भगवान बद्रीनाथ जी के लिए एक निधि अर्पण की, और दानीदाता ज्ञानेश्वर सूद, इनके भाई योगी जी, इनके परिवार के सभी लोग, इनके गुरु महाराज सभी यहाँ पधारे हैं, और इस शुभ मुहूर्त में ये छत्र भगवान को अर्पित किया गया आज शाम गोधोली मेला में। कहते हैं भगवान के धाम में जब भी कोई नया दिव्य कार्य होने वाला रहता है, उससे पूर्व भगवान अपनी छटा बिखेरते हैं। जहां मई के महीने में धाम में कभी इतनी बर्फबारी नहीं देखी गई, वहीं इस समय बद्रीनाथ धाम को कुदरत ने भी बर्फ की 1 फीट मोटी चादर से सजाया हुआ था। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, जैसे मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। विशाल जी की छत्र ज्ञानेश्वर सूद जी हैं, जो बेसिकली लुधियाना के रहने वाले हैं। गत वर्ष अक्टूबर के महीने में यहाँ आए थे, उन्होंने भगवान भद्र विशाल जी की सेवा के लिए अपनी इच्छा जताई थी। इसमें मंदिर समिति के बोर्ड द्वारा इनको भगवान भद्र विशाल के लिए प्रयुक्त छत की उन्होंने बोर्ड ने सहमति दी थी। आज वो शुभ दिन आया। इस शुभ दिन का निर्धारण हमारे धर्माधिकारी जी ने इस शुभ दिन का निर्धारण किया कि 9 मई को बड़ा शुभ दिन उन्होंने धर्माधिकारी जी ने निकाला, और उन्हीं के अनुसार आज ज्ञानेश्वर सूद जी अपने माता पिताजी भाई बहनों के साथ लुधियाना से आए, और लगभग 4 किलो का स्वर्ण जड़ित स्वर्ण छत्र है, जिसमें शायद हीरे जवाहरात भी लगे हैं शायद में, और आज भगवान भद्र विशाल को उन्होंने अर्पण की है। बहरहाल लोगों की आस्था भगवान के प्रति है, तभी तो आज भी समाज भगवान के दर्शन और सभी कष्टों के होने के बावजूद छत्र चढ़ाने के लिए तत्पर है। न्यूज इंडिया के लिए चमोली से संवाददाता कृष्ण कुमार सेमवाल की रिपोर्ट। अल्मोड़ा नगर के NTD के पास आज गुलदारों के लगातार हमलों के बीच अल्मोड़ा में दहशत का माहौल बन गया। NTD के पास सिकुड़ा बैंड के पास घात लगाकर बैठे गुलदार ने 2 बाइक सवारों को निशाना बनाकर घायल कर दिया। दोनों बाइक सवारों ने किसी तरह अपने और अपने परिजनों की जान बचाई, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। अस्पताल पहुंचे घायल दहशत में हैं और गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। वहीं पैदल राहगीरों के बाद अब बाइक सवारों पर गुलदार के हमले से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। 2 केसेस आए थे मेरे पास, जिनके घुटने के पास खरोंचों के निशान थे और सामान्य चोटें थी, उनकी हालत बिल्कुल खतरे से बाहर है, उनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। मैं अपने घर से आरजन हॉस्पिटल को जा रहा था, प्राथमिक स्वास्थ्य में सिर्फ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल डीना पानी, तो रास्ते में सिबड़ा बैंड के पास मुझे बाघ ने हमला कर दिया, पंजे से मारा और मैं गिर पड़ा तो आगे को बढ़ा तो इतने में पीछे से ट्रक आ गया, फिर ट्रक वाले प्रेशर ऑन मारा बार बार, तो पीछे भागा तो मैंने बाइक स्टार्ट की तो आगे हो गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता दीपक बिष्ट। दीपक, गुलदार के हमले से अब 2 बाइक सवार घायल हुए हैं, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे घटना को लेकर? देखिए, अल्मोड़ा में गुलदार का आतंक अब धीरे धीरे चरम की ओर को पहुंच रहा है। NTD का जो सिकड़ा बैंड का क्षेत्र है, यहाँ पर को पहले एक युवक जो बाइक में जा रहा था उस पे
चलती बाइक में गुलदार ने हमला करते उसको घायल कर दिया, जिसमें युवक गिर गया था और उसके पीछे से आ रहे ट्रक ने हॉर्न बजा करके के जब अलर्ट किया तो तब जाकर के गुलदार वहां से भागा और उस बंदे को थोड़ी देर बाद जिला हॉस्पिटल में लाया गया। थोड़ी ही देर बाद वहां से एक और बाइक सवार गुजर रहा था जो अपने जो बच्चों हैं उनको स्कूल की तरफ को ले जा रहा था, तो उस पे भी गुलदार ने हमला कर दिया और उसको घायल कर दिया, तो उसे भी बाद में जिला हॉस्पिटल लाया गया। तो कुल मिलाकर के लगातार गुलदार ने दो बाइक सवारों पे हमला किया और कुल मिलाकर के जो पैदल वहां से जा रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं गुलदार अटैक कर रहा है, घात लगा करके बैठा है। तो एनटीडी का जो क्षेत्र है यहाँ पर को गुलदारों को लेकर के दहशत का माहौल हो चुका है। दीपक, तो आखिर वन विभाग इन गुलदारों को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, वन विभाग अपने स्तर से कार्रवाई करने की कोशिश करता है, जहां पर कोई जरूरत होती है पिंजरे लगा लेता है, लेकिन अब जो गुलदारों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हम पिछले अगर 4 या 5 सालों के में अगर गौर करें, इन आंकड़ों पर गौर करें, तो जो शहरी क्षेत्र है यहाँ पर को गुलदारों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जो जंगल है वहां पर को गुलदारों को खाना नहीं मिल पा रहा है, भोजन नहीं मिल पा रहा है, और वहां पर को जो आग लग रही है उसके वजह से भी गुलदार कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र को आ रहे हैं। तो गुलदारों की जो संख्या लगातार बढ़ रही है, तो वन विभाग कहीं ना कहीं इस पे कंट्रोल करने में, इनको पकड़ने में या फिर जंगलों को भेजने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहा है, जिससे कि जनता पे ये अटैक कर रहे हैं और मैन वर्सेस जो वाइल्ड है वो संघर्ष कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। धन्यवाद दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि अल्मोड़ा में गुलदारों के हमले से इलाके में दहशत का माहौल है। एक बार फिर गुलदार ने हमला कर दो बाइक सवार लोगों को घायल कर दिया है। हरिद्वार के विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी के जंतु और पर्यावरण विभाग के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश भूटियानी ने शोध किया है। हरिद्वार में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण तेज गति से प्रदूषित हो रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के जंतु एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश भूटियानी की तरफ से किए गए शोध में रानीपुर मोड़ इलाका और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय परिसर शहर का सबसे प्रदूषण रहित इलाका पाया गया। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन प्रयोगशाला से मान्यता प्राप्त सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्रियल मटेरियल एनालिटिकल प्रयोगशाला में इसको प्रमाणित किया गया। इस पूरे शोध को युवा विज्ञानी डॉक्टर भूटियानी के निर्देशन में विश्वविद्यालय MSc पर्यावरण विज्ञान विभाग के शोध छात्र प्रदीप कुमार एवं अन्य छात्रों की टीम ने पूरा किया। बता दें कि शोध में छात्रों ने शहर के 3 स्थानों पर सैंपलर लगाने का निर्णय लिया। रानीपुर मोड़ पर पार्टिकुलेट मीटर तय मानक 100 के मुकाबले 156 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, भाद्रबाद में 146 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय परिसर में यही मानक केवल 84 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर पाया गया। जो है हमने अपने हरिद्वार के अंदर जो है 3 साइट्स को लिया गया था, जिसमें रानीपुर मोड़, भाद्रबाद और जो है तीसरा हमारा ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का कैंपस लिया गया था। तो इसमें हमने पर्टिकुलेट मैटर 10 जो है वो किया है, जिसमें हमें ये पता चला है कि रानीपुर मोड़ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है पर्टिकुलेट मैटर आया है, उसके बाद भाद्रबाद और फिर गुरुकुल के अंदर। गुरुकुल के अंदर अगर हम देखें तो ये हमारा मानक जो है 100 उसके अंदर हमें मिला है, जो कि 84 है, और रानीपुर मोड़ पर ये 156 और भाद्रबाद में ये 146 हमें माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर पाया गया है। सर, ये शोध एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग के लिए था और इसमें हमने पाया कि यहाँ पे मानक से ज़्यादा एयर पोल्यूशन है हरिद्वार के अंदर, हरिद्वार रीजन के अंदर। हमने 3 जगह साइट पे मतलब सैंपलर लगाया हमने, और पहला सैंपलर हमने भाद्रबाद लगाया जिसका मानक 146 क्यूबिक मीटर था माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर था, और दूसरा हमने रानीपुर मोड़ पे लगाया, वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा मतलब 156 आया माइक्रो क्यूबिक मीटर, और तीसरा गुरुकुल में लगाया जिसमें हमने पाया कि 84 माइक्रो क्यूबिक मीटर का एयर पोल्यूशन मतलब जो आया है। रानीपुर मोड़ पर निवास एवं व्यवसाय करने वाले डॉक्टर विशाल गर्ग मानते हैं कि आज हरिद्वार की हवा प्रदूषित हो चली है। देखिए, जिस तरह से कंक्रीट के जंगल लगातार बढ़ते जा रहे हैं और शहर को खाते जा रहे हैं, हमारे यहाँ से पेड़ पौधे ख़त्म होते जा रहे हैं, लोग खेतों खलिहानों में बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो मानव को देने वाला है, और आने वाले समय में इस चीज़ का प्रभाव हमें दिख भी रहा है। आजकल रोज़ आंधी तूफान जिस तरह से आ रहे हैं, बेमौसम बरसात आ रही है, गर्मियों में कभी ओले पड़ते हैं, कभी मौसम चेंज हो जाता है,
अभी कल डीएम साहब ने स्कूल छुट्टी की घोषणा कर दी है कि बहुत तेज़ आंधियाँ आने के आसार यहाँ पर हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि, और देखिए हम लोग इसी क्षेत्र के वासी हैं, मेरा यही मकान है, यहीं पे शॉप है, हम रानीपुर मोड़ पे रहते हैं, तो ये कमर्शियलाइजेशन मानव को खत्म करता जा रहा है। पर्यावरण को लेकर चिंता देश और विश्व स्तर पर की जा रही है, जिसकी सुधार को लेकर कोशिशें भी की जा रही हैं, परंतु चिंता इस बात की है कि उत्तराखंड जैसे पर्यावरण से लबरेज प्रदेश भी प्रदूषण की चपेट में आने से नहीं बच पा रहा है। न्यूज इंडिया के लिए हरिद्वार से संवाददाता विकास चौहान की रिपोर्ट। टिहरी में घनसाली के बालगंगा तहसील के घेरका गांव के ग्रामीणों ने केदारनाथ मोटर मार्ग पर जाम लगा दिया। युवक की हत्या कर शव को फेंकने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। परिजनों के मुताबिक उन्होंने युवक की काफी खोजबीन की लेकिन कहीं नहीं मिला, जिसके बाद मृतक की मां ने राजस्व पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन 10 मई की शाम को घास काटने गई महिलाओं ने युवक का शव गदेरे में देखा। ये कि ये 28 तारीख से पंकज कुमार पुत्र सोनदास 28 तारीख से हमसे गायब है। तो परिजनों का कहना है कि जो इसके साथ पांच लड़के बैंड बाजे वाले हैं उन पे उन्होंने आरोप लगाया है और पटवारी भी उन्हीं के घर बैठा। अल्मोड़ा में उत्तराखंड खेल महाकुंभ 2017 के दौरान 800 मीटर दौड़ में अव्वल खिलाड़ियों को स्कूटी बांटी गई, जहां डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान और डीएम अल्मोड़ा आशीष ने 11 खिलाड़ियों को स्कूटी देकर पुरस्कृत किया। इस दौरान डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी सरकार युवा खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्कूटी बांट रही है, जबकि अगले साल खेल महाकुंभ में जनपद में विजेता खिलाड़ी को कार दी जाएगी। आज हमारे उत्तराखंड के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ उनको निखारने की कमी है। निखारने के लिए कार्य हमारे उत्तराखंड सरकार ने द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य यही था कि हम अपने खेलों में अपना आगे बढ़ें और खेलों में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर जिला अल्मोड़ा के देखो बहुत सारी प्रतिभागी ने भाग लिया है और आज 11 हमारे प्रतिभागियों को यहाँ स्कूटी बांटी गई है और हमारे जो सेकेंड में जो हमारे निकले थे उनको साइकिल दी गई। रुड़की में किसानों का चीनी मिल के खिलाफ गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलौर के लिबरहेडी उत्तम चीनी मिल के गेट के बाहर सैकड़ों किसानों ने गन्ना भुगतान की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जहां किसानों ने सरकार और प्रशासन पर चीनी मिल प्रबंधन के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। वहीं किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। किसानों ने केंद्र सरकार को 2019 में इसका अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दी है। और अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।